नमस्कार एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। तो इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली भर्ती 21 दिसंबर से यानी कि 21 दिसंबर 2020 से मोहराबादी मैदान रांची में होने जा रही है। इसके बारे में हालांकि वेबसाइट पे नहीं डाला गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण की यह खबर है और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस रांची के द्वारा। तो आप जितने भी आर्मी के कैंडिडेट हैं वहाँ पे ज़रूर पहुँचें, ज़रूर भाग लें। और यहाँ पे झारखंड पुलिस को बताया गया है कि इस रैली के बारे में जानकारी देने का काम झारखंड पुलिस कर रही है। तो आप अपने नज़दीकी थाना में जाकर इस रैली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या सर्टिफिकेट लेके जाना है और किस डिस्ट्रिक्ट का कब जाना है या और भी कुछ। और अगर जानकारी नहीं भी प्राप्त होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने सर्टिफिकेट के साथ पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पे डेट का कोई भी चर्चा नहीं किया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट का कब होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे फर्जी न्यूज़ फेक न्यूज़ देने का आपने काम किया है, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में न्यूज आया था उसी को मैंने पहले भी रखा था और अभी भी रख रहा हूँ, क्योंकि आर्मी रैली के बारे में आर्मी के वेबसाइट पे अभी तक कुछ भी न्यूज नहीं है। तो मैं इस बारे में अधिक न्यूज नहीं दे पा रहा हूँ और मैं रांची में अभी नहीं हूँ तो वहाँ जाके भी नहीं बता सकता हूँ। तो जो लोग रांची में हैं जाके वहाँ पर अपना पता कर लें, या फिर आपका कोई फ्रेंड रहता है तो कॉल करके पता कर लें कि वहाँ पर रैली की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, या तो फिर आप खुद पहुँच जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना में जवानों की बहाली 21 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इसमें शारीरिक परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में युवक जुटेंगे। इसको देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मोहराबादी मैदान में होने वाली दौड़ और शारीरिक परीक्षा के लिए अभी से बैरिकेडिंग आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है। यातायात नियंत्रण के लिए और अनावश्यक जमावड़ा आदि को रोकने के लिए मैदान के चारों ओर बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। अन्य तैयारियों के लिए भी इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पूरे राज्य से विद्यार्थी भाग लेने के लिए पहुँचेंगे। जाड़े का समय होने के कारण प्रतिभागियों को परेशानी हो सकती है। सभी के ठहरने के लिए आसपास व्यवस्था करने पर जिला प्रशासन के अधिकारी विचार कर रहे हैं। सेना की ओर से भी तैयारी की जा रही है।